हे गाइस, मेरा नाम है मयंक और आज हम बात करते हैं जो नेचुरल नंबर की सीरीज़ है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इसका जो सम है वो -1/12 क्यों होता है? ये सोचना इम्पॉसिबल है कि किसी पॉजिटिव नंबर की जो सीरीज़ है उसका सम -1/12 हो, मगर इसका जो प्रूफ है वो हमारे ग्रेट मैथमेटिशियन रामानुजन ने दिया था। आज मैं आपको वही शो करने वाला हूँ। मैं ये प्रूफ करना है जो पॉजिटिव नंबर की सीरीज़ है उसका सम -1/12 क्यों होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि जो ये इन्फिनिटी है इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, हमें पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगा, ये कुछ भी हो सकता है, करोड़ों में भी जा सकता है और उससे भी ज़्यादा कुछ भी। तो बस हम ये कह सकते हैं या तो ये इन्फिनिटी इवन होगा या फिर ये इन्फिनिटी ऑड होगा, इन दोनों में से कोई एक नंबर हो सकता है जो कि हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं, लेट एक सीरीज़ को लेट करते हैं, इसमें हम टोटल 3 सीरीज़ लेट करेंगे, ये सबसे पहली है, एक दूसरी लेट करेंगे और इसे हम मान लेंगे S3, मतलब सीरीज नंबर 3, और 3 सीरीज में हम सॉल्व करके निकालेंगे कि ये -1/12 क्यों होता है। मैं एक सीरीज लेट करता हूँ S1, इसकी वैल्यू हम मानते हैं 1 -1 + 1 -1 + 1 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, मतलब चलता जा रहा है ये ऐसे। मगर जैसा कि मैंने कहा जो इन्फिनिटी है या तो इवन होगा या ये ऑड होगा, तो हम इसमें मानते हैं कि ये इवन होगा। ओके, अगर ये इवन है तो +1 से -1 कट जाएगा, फिर +1 से -1 कट जाएगा, फिर +1 से -1 कट जाएगा, ऐसे ये कटते रहेंगे तो इनका जो समेशन आएगा, मतलब सम आएगा, वो होगा 0। ओके, मैंने इसको मान लिया फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब मैं मानता हूँ यही सीरीज अगर ऑड होती तो S1 = 1 -1 + 1 - 1 + 1, ये लास्ट में पॉजिटिव पे जाके रुकती और ये है ऑड। सो अब जब ये कैंसिल होता है +1 -1 + 1 - 1, तो एक प्लस का 1 हमेशा बच जाता है, तो मैं इसको लिखता हूँ, सो S1 जो है वो आ गया 1। इवन के केस में वो वैल्यू 0 है, ऑड के केस में वो वैल्यू 1 है। सो अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेता हूँ, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। जब मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मेरे पास आता है S1 + S1 = 0 + 1, मतलब ट्वाइस ऑफ S1 = 1। सो S1 की यहाँ से मेरे पास वैल्यू जो है वो आएगी 1/2। मैं दूसरी सीरीज लेट करता हूँ, लेट S2, ये सीरीज 1 लेट करी थी, अब यह सीरीज 2 लेट कर रहा हूँ, वो सीरीज होगी +1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 एंड सो ऑन चलता रहेगा, एक बार माइनस एक बार प्लस। ठीक है, अब मैं इसी सीरीज को इस तरीके से लिखता हूँ, S2 = इसको जस्ट एक डिजिट में शिफ्ट कर रहा हूँ, +1 - 2 + 3 - 4 + 5 एंड सो ऑन, बस मैं इसको एक डिजिट शिफ्ट कर रहा हूँ, उससे इन्फिनिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इन्फिनिटी कहीं पर भी जाकर रुक सकता है। अब मैं इन दोनों को ऐड कर देता हूँ, तो नीचे आएगा ट्वाइस ऑफ S2, इन दोनों को जोड़ा, 1 + 0 = 1 - 2 + 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1। अगर हम ये देखें तो ये हमारी वापस से S1 बन जाती है, +1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1, और हमें ये पता नहीं है कहाँ जाके रुकेगी, इसीलिए हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्टार्टिंग में ऐड किया था ताकि हम इन दोनों का एवरेज या फिर मीन निकाल सकें, क्योंकि हमें पता नहीं है ऑड नंबर है या इवन नंबर है। सो हमारे पास जो ये है S1 है इसकी वैल्यू, सो मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ट्वाइस ऑफ S2 = S1। ओके, और S1 की क्या वैल्यू है? -1/2। ट्वाइस ऑफ S2 = 1/2। सो S2 की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1/4। ओके, अब मैं इसे मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। सिंपल, अब जब मेरे पास ये आया था तो मैंने इसको निकाल लिया सीधा, मैंने S1 की यहाँ पे S1 लिख दिया इसकी जगह, और S1 की वैल्यू -1 + 1/2, और मैंने इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो इससे मेरे पास S2 की वैल्यू आ गई। ओके, अब मैं लेट करता हूँ इक्वेशन नंबर 3। मैंने कहा था ये 3 सीरीज लेंगे, S1 ये रही, S2 ये रही और S3 ये रही। अब मैं इस सीरीज को लेट कर लेता हूँ, ये 4 है। सो अब मैं करता हूँ S3 में से S2 को माइनस, सो S3 मेरे पास थी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी, और S2 जो है वो मेरे पास है यहाँ पर 1 - 2 + 3 - 4 एंड सो ऑन, यहाँ पे मैं 4 भी लगा लेता हूँ। ओके, अब मैंने कहा इसे हम माइनस कर रहे हैं, जब हम माइनस करेंगे नीचे वाले के साइन चेंज हो जाएंगे, सीधी सीधी बात है, तो यहाँ पे माइनस का आएगा प्लस की जगह, माइनस का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब जब मैं इसे कैंसिल आउट करूँगा उनमें से बन गया 0, +2 + 2 = 4, अगली टर्म 0, फिर अगला 4 + 4 = 8, उसके अगला 12, अब ये 4 4 के गैप पर आएगा तो सीधी बात है अगला 16,
फिर 20, फिर 24 एंड सो ऑन, ये इस तरीके से चलता रहेगा, एस थ्री माइनस एस टू। अब मैं इसमें से 4 कॉमन निकाल लेता हूँ, 4 जब मैं कॉमन निकालता हूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 एंड सो ऑन चलेगा, ये है हमारे पास एस थ्री माइनस एस टू। अब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये तो मेरे पास खुद एस थ्री की वैल्यू है, तो मैं इसकी जगह पर एस थ्री लिख देता हूँ, 4 एस थ्री, एस थ्री माइनस एस टू। अब एस थ्री को आप उधर शिफ्ट कर दो, माइनस ऑफ एस टू इज इक्वल्स टू एस थ्री, जब मैं उधर शिफ्ट करूंगा 4 एस थ्री माइनस थ्री, ओ माइनस एस थ्री, माइनस एस थ्री, तो ये आएगा मेरे पास 3 एस थ्री इज इक्वल टू माइनस एस टू। एस टू की हमारे पास जो वैल्यू है वो हम इक्वेशन 3 से देखते हैं, वो है 1/4, इसकी जगह मैं लिख दूंगा माइनस का साइन एज इट इज 1/4, और 3 नीचे शिफ्ट करेंगे तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई -1/12। किसकी वैल्यू आ गई? एस थ्री की वैल्यू, और एस थ्री हमारे पास क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी, इसकी वैल्यू आ गई -1/12, हेंस प्रूव। सो गाइज होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट में लिख सकते हैं, या आपको किसी नए टॉपिक के बारे में पढ़ना हो तब उसे भी कमेंट कर सकते हैं। यार लाइक और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा, सो मिलते हैं अगली वीडियो में।